सभी को जय श्री काल भैरव। और जैसा कि जन्माष्टमी के ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 7 तारीख की जन्माष्टमी है, तो बिल्कुल गलत है। 7 तारीख को अष्टमी जो है वो आपकी 4:13 शाम को समाप्त हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी, शायद कृष्ण जी पैदा हुए थे 12 बजे रात को। और दूसरी बात कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो रोहिणी नक्षत्र तो 10 बजे ही समाप्त हो जाएगा, 10:30 बजे, मतलब सुबह 10:23 24 पे। तो क्या आप नवमी वाले दिन अष्टमी अपनाएंगे, मतलब जो 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो जब 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे उस समय नवमी चल रही होगी, उस समय कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि होगी और मार्गशीर्ष नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। और बाकी ये कहना कि अगर मॉर्निंग में अष्टमी है तो उस दिन अष्टमी मनाएंगे, तो कृष्ण जी मॉर्निंग में पैदा नहीं हुए थे, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, है ना। सनातन को ऐसे मतलब दो दो त्योहारों में मत बांटे। बाकी जितने भी मूल जगहें हैं जहाँ पर ये सब किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, है ना। मतलब 7 तारीख को अगर आप जन्माष्टमी मना रहे हो तो यानी नवमी वाले दिन अष्टमी मना रहे हो, क्योंकि रात को 12 बजे मनाएंगे ना। तो थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कीजिए। बाकी सभी को जय श्री काल भैरव। जन्माष्टमी दिल से मनाइएगा, खुशी से मनाइएगा, और जिस दिन है उस दिन मनाइएगा, जब आपको 12 बजे अष्टमी लगे, है ना, और रोहिणी नक्षत्र हो, तब आप मनाइए। जय श्री काल भैरव।